नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आज इस क्रिप्टोग्राफी सीरीज में हम बात करेंगे फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर के बारे में। मोस्ट मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स बिलोंग टू टू फैमिलीज ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। जब हम सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम्स की बात करते हैं और उसमें भी ब्लॉक साइफर्स की बात करते हैं तो मेनली ये दो फैमिलीज से बिलोंग करता है। नंबर वन SPN, दैट इज सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क एंड फेस्टल नेटवर्क। आज इस सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे फेस्टल स्ट्रक्चर बारे में। फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर और डिजाइन मॉडल फ्रॉम विच मेनी डिफरेंट ब्लॉक साइफर्स हैव बीन डिराइव्ड। DES इज वन एग्जांपल ऑफ फेस्टल साइफर। जब हम बहुत सारे ब्लॉक साइफर्स की बात करते हैं कि ऐसे ब्लॉक साइफर्स जो फेस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो DES उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वी विल सी अदर एग्जाम्पल्स एट द एंड ऑफ द सेशन। This structure is named after the IBM cryptographer Horst Feistel. जो Feistel structure की जो नाम दिया गया ये IBM के cryptographer थे Horst Feistel, उनके नाम। Feistel cipher structure is first implemented in the Lucifer cipher by Horst Feistel and Don Coppersmith in the early 1970. A cryptographic system based on Feistel cipher structure uses the same algorithm for both encryption and decryption. तो सबसे पहले Feistel cipher structure को implement किया गया था Lucifer cipher में Horst Feistel and Don Coppersmith। ये कब की बात है? In the 1970। Cryptographic system जो Feistel structure को follow करते हैं वो एक same algorithm का इस्तेमाल करते हैं for both either for the encryption, not either for the encryption or decryption, but both for encryption as well as decryption. Feistel structure consists of multiple rounds of processing of the plain text, with each round consisting of a substitution step followed by the permutation step. Feistel structure में होता क्या है कि multiple rounds of processing होते हैं, जो आपका plain text as an input दिया जाता है उसके ऊपर processing होती है with the multiple rounds of substitution followed by the permutation step. A separate key is used for each round. जो जितने rounds उस algorithm में होंगे हर एक round में एक separate key encryption key का इस्तेमाल किया जाता है। However, same round keys are used for encryption as well as decryption. क्योंकि Feistel structure में हमने देखा कि encryption और decryption के लिए एक ही algorithm इस्तेमाल होती है, तो it means कि जो key आपके encryption के लिए इस्तेमाल होगी in the reverse process that is in decryption, the same key is also used, same round. Feistel structure for symmetry की cryptography is shown in the figure. जब हम देखते हैं इसके structure की बात करते हैं, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, I will highlight, this is a plain text block. ये सबसे पहले ऊपर plain text block है। हमें इस block को दो equal halves, which we can rename or denote as L and R, left half and right half. इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, left and right half. उसके बाद जो right half है, right half में आप देखेंगे कि there is a function FKR. Here K is a key. Let this be K1. K1 is the round key for first round. So ये round function की जो output होगी, उसको left portion के साथ जोर ऑपरेशन किया जाएगा। लेफ्ट सपोज इफ आवर टेक्स्ट इज 64 बिट का टेक्स्ट है तो 32 32 बिट में इसको डिवाइड करेंगे, 32 बिट लेफ्ट और 32 बिट राइट। राइट का 32 बिट फंक्शन फंक्शन विद K1 जो राउंड की है फर्स्ट, उसके साथ जो आउटपुट आएगी उसको लेफ्ट हाफ के साथ जोर किया जाएगा। आफ्टर दैट जो लेफ्ट वाला जो आउटपुट होगा ये आपके राइट बन जाएगा और जो राइट वाला होगा ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो इट मीन स्वैपिंग होगी, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट, राइट वाला लेफ्ट। आफ्टर दैट सेकंड राउंड आप देख रहे होंगे, सेकंड में डिफरेंट की इस्तेमाल हो रही है K2, और सेम प्रोसेस फॉलोड जो हमने फर्स्ट राउंड में प्रोसेस फॉलो की सेम आपकी प्रोसेस सेकेंड राउंड में होगी, फॉलोड अप टू द एंड राउंड। जितने उस एल्गोरिदम के डिजाइन में राउंड्स डिजाइन किए गए होंगे उतने नंबर ऑफ राउंड्स उस एल्गोरिदम में एग्जीक्यूट होंगे। आफ्टर फाइनल स्वैपिंग वी विल गेट द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। The illustration of Feistel cipher is as under. जब हम इसको illustrate करने की बात करते हैं complete,
Then the input block of plaintext to each round is processed, divided into two halves, denoted by the L0 or L0 or and R0 for the left half and the right half. तो जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे कि प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को L0 एंड R0 दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया है. आफ्टर दैट इन ईच राउंड द राइट हाफ ऑफ द ब्लॉक, द राइट हाफ ऑफ द ब्लॉक R0 गोज अनचेंज्ड. जो राइट हाफ है वो आपका अनचेंज्ड जा रहा है. एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्लॉक, लेफ्ट हाफ कौन सा हुआ, L0 इज XORed विद द आउटपुट ऑफ द राउंड फंक्शन. जो हमारा राउंड फंक्शन है उस राउंड फंक्शन की आउटपुट के साथ जो L0 उसको XOR ऑपरेशन किया जाता है और उसकी जो आउटपुट होगी उसको फिर फर्दर R1 और R0 आपका जो है L1 इस तरह से स्वैपिंग करके जो है नेक्स्ट राउंड के लिए इनपुट एंड आउटपुट. द फिस्टल साइफर राउंड डिपेंडेंट की और द सब की. जो मास्टर की है आपकी 64 बिट की, सपोज लेट इट बी 64 बिट, तो उसके बाद जो आपकी सब की जो ड्राइव की जाती है इट इज फ्रॉम द मेन और द मास्टर ऑफ द एनक्रिप्शन की से इसको ड्राइव किया जाता है. ईच राउंड फंक्शन यूजेस डिफरेंट की. जितने नंबर ऑफ राउंड होंगे हर राउंड में डिफरेंट सब की या राउंड की इस्तेमाल की जाती है. द परम्यूटेशन स्टेप एट द एंड ऑफ ईच राउंड स्वैप्स द मॉडिफाइड L0 एंड अनमॉडिफाइड R0. परम्यूटेशन स्टेप में क्या होता है, स्वैपिंग होती है, आपका लेफ्ट वाला पोर्शन राइट बन जाता है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट बाय द स्वैपिंग. देयरफॉर द L1 फॉर द नेक्स्ट राउंड वुड बी द R0 ऑफ द करंट राउंड एंड R1, दिस इज द R1, दिस इज R1. R1 टू द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड विल बी द आउटपुट ऑफ द L0 इन द करंट राउंड. अबव सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन स्टेप्स फॉर्म द राउंड 1. तो ये जब हम बात करते हैं ये कंप्लीट आपका यहाँ पे स्वैपिंग तक जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड कंप्लीट राउंड 1. द नंबर ऑफ राउंड्स आर स्पेसिफाइड बाय द एल्गोरिदम डिजाइन. जब हम फर्दर इसके बाद फिस्टल स्ट्रक्चर के बाद जब डीएस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि डीएस यूजेस 16 राउंड्स इन देयर फिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है. बट इट इज एट द पार्ट ऑफ द डिजाइनर ऑफ द एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम का जो डिजाइनर है वो कितने राउंड्स के एल्गोरिदम से डिजाइन करता है, तो इट डिपेंड अपॉन द डिजाइनर. वंस द लास्ट राउंड इज कंप्लीटेड देन द टू सब ब्लॉक्स आर एंड एल आर जॉइंड इन ऑर्डर टू फॉर्म द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक. जब आपके कंप्लीट राउंड हो जाते हैं, एफ एन इज द सपोज लास्ट राउंड इन योर एल्गोरिदम, देन आउटपुट इफ इट इज R4 एंड L4 देन दीज आर कंबाइंड और कंकेटनेटेड, then we will get the ciphertext. The decryption process in Feistel cipher is almost similar. जो हमने शुरू की स्लाइड्स में देखा था कि Feistel structure follows same algorithm for encryption as well as decryption, but there is a slight difference. Instead of starting with a block of plain text, जब हम decryption की बात करेंगे तो आपको इनपुट एज अ साइफर टेक्स्ट ब्लॉक देना है, दैट इज फेड इनटू द स्टार्ट ऑफ द फिस्टल स्ट्रक्चर. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको साइफर टेक्स्ट ब्लॉक एज अ इनपुट देना है. देन द प्रोसेस देयर आफ्टर इज एग्जैक्टली द सेम एज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन इलस्ट्रेशन. ऑप्शन का था उसके अपोजिट डिक्रिप्शन में सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं. इन द केस ऑफ डिक्रिप्शन द ओनली डिफरेंस इज दैट द सब कीज यूज्ड इन द एनक्रिप्शन आर यूज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर. आपकी फर्स्ट की ऊपर इस्तेमाल हो रही थी, nth की वाज यूज्ड एट द लास्ट, इसमें क्या होगा nth की ऊपर, आफ्टर दैट फॉलोड बाय द रिवर्स प्रोसेस. द फाइनल स्वैपिंग ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ इन द लास्ट स्टेप ऑफ द फिस्टल इज एसेंशियल. आपका साइफर टेक्स्ट तब तक डिक्रिप्ट नहीं होगा जब तक आप लास्ट जो राइट एंड लेफ्ट हाफ आपके आ रहे हैं उनकी स्वैपिंग जब तक नहीं करेंगे. तो द स्वैपिंग एट द लास्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लास्ट राउंड for the decryption of the ciphertext. If these are not swapped, then the resulting ciphertext could not be decrypted using the same algorithm. The number of rounds used in the Feistel cipher depend on a desired security from the system. Kitne round istemal karne hain kis algorithm mein, ye depend karta hai ki what level of security is to be achieved by the designer. Designer ko ya system ko kis level ki security ko achieve karna hai. So depending upon that, the designer will decide the number of. More number of rounds provide more secure system. ये
डेफिनेट है कि हम ज्यादा राउंड इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा प्रोसेसिंग होगी एंड द सिस्टम विल बी मोर सिक्योर, बट एट द सेम टाइम मोर राउंड्स मीन स्लो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस. बट वी हैव टू ऑल्सो वेट फॉर द डिक्रिप्शन. It will take more time for the process as the system is going to be more. Here we will see a list of few ciphers which follow the Feistel cipher structure. जैसे हमने DS का example लिया था in the beginning of the slide, in the beginning of our session. तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ciphers हैं जो Feistel structure को follow करते हैं. For example, Lucifer, Tophis, Blowfish, Mars, RC5, RC6, Data Encryption Standard. और डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड ट्रिपल डीईएस. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो Feistel साइफर को फॉलो करते हैं. आज इस सेशन में हमने Feistel साइफर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की. मैं आपको ये बता दूं कि डीईएस जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, डीईएस, 3DES, जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, उसको समझने से पहले Feistel साइफर स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएस जो है वो Feistel स्ट्रक्चर को फॉलो करती है. तो इसलिए जब भी आप डीएस के बारे में जानने की इच्छा जाहिर करें, तो उससे पहले आप Feistel साइफर स्ट्रक्चर को जरूर समझना समझे. थैंक यू.